कुदरत चाहती, भगवान चाहते, खुदा चाहते तो हम एक जानवर के रूप में पैदा होते, है या ना? नेचर ने डिसाइड किया कि हम एक इंसान बनेंगे और हुआ क्या, हम सारे लोग एक इंसान बन गए। अब यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जैसे ही हम एक इंसान के रूप में इस ग्रह पे आते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन का दौर चालू हो जाता है। हम इंसान बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। कोई छोटे जीव जंतु होते हम लोग, अगर हम कोई छोटे प्राणी होते, कीड़े मकोड़े होते, अगर कोई चौपाया होते तो हमारा काम क्या रहता? खाना पीना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना। लेकिन हुआ क्या? आज हर एक इंसान, चाहे किसी भी लेवल पे बैठा हो, चाहे कोई भी आपका कस्टमर हो, या अगर अपने आसपास देखें, हर एक इंसान जो थोड़े पैसे कमाता है वो कुछ और ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। आज टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम लोगों ने इस मदर अर्थ का, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, हमने इसका नक्शा ही चेंज कर दिया है। आज के पहले जो इंसान हुआ करते थे, आज अगर वो देखेंगे कि हम इंसान कैसे रहते हैं, हम लोगों ने अपने शिखर को छुआ है। आज हम लोग उस शिखर पे बैठे हैं कि जहां पे टेक्नोलॉजी की हद हो चुकी है। अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी में बदलाव होने वाले हैं, साइंस में बदलाव होने वाले हैं, बट बीइंग ए इंसान, हम लोगों ने अपने शिखर को छू लिया है। और देखा जाए तो इंडिविजुअल रूप से, आपके रूप में, हमारे रूप में, आज फिर भी लोग परेशान हैं, है या ना? पहले लोग बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे, सुखी से रहा करते थे, लेकिन बीइंग ए इंसान, आज हम लोग बहुत ही ज्यादा बेचैन रहते हैं। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, खुशियां आ रही है, कुछ लोग, इंसान दो भागों में बट गया है, डिवीजन, तो डिवाइड हो चुका है इंसान। एक के पास इतना पैसा है कि खाते खाते मर रहा है, और एक के पास इतना ही भी पैसा नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप देखेंगे, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम इंसान होने के नाते अपनी चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने बेसिक से कट चुके हैं। बेसिक क्या है आपका? हमारे धर्म में गीता नाम की एक पुस्तक है, कुरान नाम की एक किताब है, बाइबल है, गुरुवाणी है। सोचो आप, इसमें आपके इंसान होने का पूरा रहस्य छुपा हुआ है और हम सारे लोग इसको भूल चुके हैं। हमको लगता है कि अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर आप गीता पढ़ लोगे ना, कुरान पढ़ लोगे ना, बाइबल पढ़ लोगे ना, तो आप एक इंसान बन जाएंगे और यहीं से आपकी कामयाबी का रास्ता स्टार्ट होता है। तो इसको स्टार्ट करिए, सबसे पहले एक बेहतर इंसान बनिए। अगर आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे तो आप एक कामयाब इंसान भी बन जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ।